हेलो एवरीबॉडी, दिस फरहान खान, XMF टाइकोंडो ब्लैक बेल्ट एंड नेशनल इंस्ट्रक्टर। गाइस, ये पहन के मैं राफ्टिंग के लिए नहीं जा रहा हूँ, ये प्रैक्टिस के लिए मैंने पहना है चेस्ट गार्ड। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप अपनी साइड किक को पावरफुल कैसे बना सकते हैं। तो साइड किक आप लोगों को अगर पता है तो हम अपने हील से यहाँ से अटैक करते हैं। तो सबसे पहले आप पैर के जितने भी वर्कआउट्स हैं उन वर्कआउट को आप जॉगिंग करें और जंप्स लगाएं और स्क्वाट्स करें, जितने भी लेग्स के वर्कआउट हैं उन वर्कआउट को अच्छी तरह से करते रहें। उसके बाद में मैं आपको जो टेक्निक बताता हूं वो टेक्निक आप फॉलो करें। अपने पैर को आप ऐसे रखें, साइड की कुछ ऐसे जाते हैं, और मेरा हैवी बैग है, पंचिंग बैग। अगर आपके पास एक पंचिंग बैग नहीं है तो आप एक बैग मंगवा लें, कम में मिलता है, 500, 600 या 1000 के आसपास। जितना स्ट्रांग आप अपना पंचिंग बैग बनाएंगे उतना आपके लिए बेहतर है। आप उसके ऊपर पंचेस भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और किक्स भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए किक का हम स्टार्ट करते हैं, साइड किक। सबसे पहले आप बैलेंसिंग सीख लें, ये पैर जो है आप सिर्फ यही पोजीशन में रुके रहें, आपका पैर ना गिराए नीचे। जितनी देर तक आप अपना पैर ऊपर उठा सकते हैं आप उठा के रखें। अपने दोनों पैर से इस चीज को आप प्रैक्टिस करें, ये साइड किक होल्ड। उसके बाद आप अपने किक बैक को हील के जरिए से किक करना स्टार्ट करें स्लोली, एंड मेक श्योर कि आप अपना पैर नीचे नहीं ड्रॉप करोगे, और बस आपको पैर इतना हॉफ नहीं करना है, कंप्लीटली आपको पैर पुश करना है। आप देख सकते हैं यहां पे किक बैक जो है वापस आ रहा है, तो मैं उसको अपने पैर से डिफेंड कर रहा हूं। ये कुछ अपने राइट साइड और लेफ्ट साइड से आप प्रैक्टिस करें, दोनों साइड से स्टार्ट करें। अगर आपके पास बैग नहीं है तो आप ये चीज वॉल के साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप एक बिगिनर हैं तो आप सपोज ये समझिए ये वॉल है और अपना पैर ऊपर करें, और मेरा बॉडी है कंप्लीटली हॉफ फेस, कंप्लीटली आप अपने पैर को स्ट्रेच करें एंड पुल बैक करें। इनिशियली आपके जो हिप्स है वहां पे पेन आएगा, लेग्स में पेन आएगा, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर आप अपनी किक को परफेक्ट बनाना चाहते हैं तो हार्डवर्क करना पड़ेगा, तभी जाके आप अपनी किक और पंचेस में पावर ज्यादा बना सकेंगे। तो गाइज, आज का वीडियो था हाउ टू डू साइड किक विथ पावर। इसमें आप जंप साइड किक भी ऐड कर सकते हैं। जंप साइड किक इज दिस, जितना जंप आप हाई कर सकेंगे उतना बेहतर है, ताकि आप स्पारिंग में अच्छी तरह से आपका किक रीच करें। एंड द नेक्स्ट टेक्निक इज साइड किक को आप यहीं से बस होल्ड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आगे मेरा ओपोनेंट है तो बस मैं पुल नहीं कर रहा हूं, ये प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा है। अगले वीडियो में आपके लिए लेके आऊंगा कैसे पंचिंग बैग बनाते हैं, किस तरीके से पंचिंग बैग को फिल किया जाता है, और कितना हार्ड आप इसको बनाकर यूज कर सकते हैं, और हैंड टेक्निक्स, लेग टेक्निक्स पर इंडिविजुअली एक एक वीडियो बनाता रहूंगा। और आप भी मुझे कमेंट कर सकते हैं कि किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं। तो मार्शल आर्ट एंड फिटनेस के वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।